नमस्कार दोस्तों, एसएसवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत सारा लोगों का क्वेश्चंस आ रहा है और उनका क्वेश्चंस को मैं काफ़ी सारा जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ और काफ़ी अच्छे से मेरे प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर भी बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। डिस्क्लेमर जरूर पढ़िए आप आगे बढ़ने से पहले, और अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप हमारे थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन का एक ऑफर भी चल रहा है। अगर ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन में आप हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपका अकाउंट फ्री में ओपन हो जाएगा। और ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन एक ऐसा बेस्ट ब्रोकरेज हाउस है जिसका मैं आपको काफ़ी सारा वीडियोज बना चुका हूँ, आपने अगर देखा नहीं होगा तो वो वीडियो देख लीजिए। और ये लोएस्ट ब्रोकरेज प्लान ऑफर करता है 0.007% का, जो इससे बोलते हैं वैल्यू प्लान। और अगर आप बिग वॉल्यूम ट्रेडर है तो बिग वॉल्यूम ट्रेडर के लिए फ्लैट ब्रोकरेज प्लान भी है, उसमें 15 रुपीज पर ऑर्डर। तो आप दोनों में से कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है इनका, साइन प्लेटफॉर्म अभी रिसेंटली जो लॉन्च किया है, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स है। तो आप उसको मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है क्या क्या स्कैनर्स अवेलेबल है, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो वो सारा आप देख लीजिए। और मेरा वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है स्मार्ट ऑनलाइन, उसमें जाके आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो के नीचे आपको जाना है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ पे आपको ये मिलेगा ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन ओपन अकाउंट वाला लिंक, उसको क्लिक करना है आपको। तो डिसाइड करेगा आपको वेब ब्राउज़र में, सॉरी ये देखिए ब्राउज़र में चला गया है, तो ये आ गया लिंक आ गया। ये आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। ये लिंक में YCDV03 लिखा होना चाहिए, वो याद रखिए। इसमें आप अपना डिटेल फिलअप कर दीजिए जैसा मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। आप अपना नाम डालिए या फिर पूरा नाम डाल दीजिए, मैं एक ट्रायल के लिए आपको डाल रहा हूँ, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ये मैं डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल देंगे। नंबर डाल दिया, फिर आपको ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है। ये आ गया आपका मैसेज, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आगे आपको यहाँ पे आपका एक्चुअली पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। तो आइडेंटिटी में आपको पैन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप। बहुत ही इजीली, सरल, फास्ट ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है तो पूरा सपोर्ट टीम आपके लिए हाजिर है, वो आपको बहुत फास्टली आपका कॉल बैक कॉल करके आपका अकाउंट ओपन करवा लेंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपना मेन टॉपिक के ऊपर। ये कुछ इंटरेस्टिंग कोट्स है वॉरेन बफेट साहब के, जिन्हें कौन नहीं जानता। तो उन्होंने लिखा है, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग टेक्स टाइम, डिसिप्लिन एंड पेशेंस, नो मैटर हाउ ग्रेट द टैलेंट और एफर्ट्स, समथिंग जस्ट टेक टाइम। यू कांट प्रोड्यूस अ बेबी इन वन मंथ बाय गेटिंग 9 वुमन प्रेगनेंट। इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि टाइम, डिसिप्लिन, पेशेंस, सब कुछ, आपको आपका टैलेंट कितना है तो कोई मैटर नहीं करता। कुछ चीज़ों के लिए कुछ टाइम लगता है और उसके लिए आपको पेशेंटली वेट करना है।
और उन्होंने लाइव एग्जांपल दिया है कि आपको बेबी चाहिए तो आपको 9 मंथ रुकना ही पड़ता है, आप 9 लेडीज को प्रेग्नेंट करके आप 1 मंथ में बेबी पैदा नहीं कर सकते, इन्होंने इस टाइप से इसको एक्सप्लेन किया है। देन इनका और एक कोट है, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स, ये भी इन्होंने एक अच्छा कोट है। उसके बाद उन्होंने और एक कोट लिखा है, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द पेशेंट टू द पेशेंट, ये बात याद रखिए। तो अभी जो बहुत सारे इम्पेशेंट लोग हैं उन्होंने आलोक से एग्जिट लिया होगा, क्योंकि उनको अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि इसका सब कुछ हो गया, अभी एनसीएलटी का अप्रूवल आ गया, अभी इसको बढ़ना है तो ऐसा नहीं होता, इसको कुछ स्टेप्स से पार होना है। वो स्टेप्स भी हमने एक्सप्लेन किया था, एनसीएलटी अप्रूवल के बाद सीसीआई का अप्रूवल आना था, सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसका अप्रूवल आ गया, उसके बाद अभी आरबीआई का अप्रूवल आना है, आरबीआई का अप्रूवल अवेटेड है और वो एनी टाइम आ सकता है। इसके लिए जो टाइम फ्रेम अलाउड रहता है वो मैक्सिमम 6 मंथ, 3 to 4 मंथ्स में ऑलरेडी इसको हो चुका है, 3 to 6 मंथ इसका टाइम फ्रेम है। और ये अप्रूवल आने के बाद इसमें इतना फास्ट प्रोसेस हो जाएगा कि आपको टाइम ही नहीं बचेगा, बाद में 8 से 10 दिनों के अंदर बाकी प्रोसेस हो जाएगा, जो शेयर वैल्यू डिडक्शन और जो भी एक हैंडिंग ओवर चार्ज जो कंपनी का लेना है, सब कुछ मैनेजमेंट कमेटी बिठाना, एवरीथिंग सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था आपको, 392 करोड़ के आसपास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे और पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% का रहेगा। और ये अभी अपर सर्किट लोअर सर्किट बीच में ट्रेडिंग होता है, बीच में लोअर सर्किट रहता है, तो ये सिलसिला चल रहा है लेकिन एक रेंज में बना हुआ है। और ये जैसे अप्रूवल आरबीआई का अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद ये अपना ओरिजिनल शेप में चला जाएगा जो भी होना है। सो जो भी जिनको पेशेंस है, और मैं आपको दूसरा सलाह भी दिया था कि आप इसको इन्वेस्टमेंट को 10 भागों में बांट दीजिए, तो एक भाग अपना आलोक इंडस्ट्रीज होना चाहिए 10 भागों में से। तो इस प्रकार और बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बार बार यही क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो पैनिक होना का कोई ज़रूरत नहीं है, इसका आपको काफ़ी अच्छे से काफ़ी एग्जांपल दिए हैं, काफ़ी डिटेल विस्तृत जानकारी मैंने दी है, फिर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चनरीज आ रहा था करके वीडियो बनाया, अदरवाइज ये वीडियो बनाने का ज़रूरत नहीं था। सो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।